नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी पर। मैं हूँ आपके साथ अमन शुक्ला। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड की जमीन अब बेश कीमती पत्थर भी उगलने लगी है। इन पत्थरों की दक्षिण भारत में भारी डिमांड है। सागर जिला मुख्यालय से 77 किलोमीटर दूरी पर स्थित ईश्वरपुर गांव में मिट्टी से बेश कीमती पत्थर निकल रहे हैं, जो कि 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक बिक रहे हैं। खास बात तो यह है कि गांव भर के लोगों को इसका पता है और वो साल भर से इन बेश कीमती पत्थरों को बेच रहे हैं। जबलपुर इंदौर तक के व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए आ रहे हैं, जबकि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। जी हाँ, दरअसल जिले के देवरी विकास खंड की ग्राम पंचायत ईश्वरपुर में रतन ठाकुर के खेत में बहुमूल्य गुरियानुमा पत्थर मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव के लोग पत्थरनुमा गुरियों को खोजने में लगे हुए हैं। हालात तो यह है कि व्यापारी इनको खरीदने आते हैं और लोग 2,000 से लेकर 20,000 रुपए तक इनको बेच देते हैं और दिन भर में हजारों रुपए कमाते हैं। ईश्वरपुर गांव के लोगों का कहना है कि 14 एकड़ के खेत में साल भर से ऐसे ही चमकीले बहुमूल्य पत्थर के गुरिया मिल रहे हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग मेहनत मजदूरी छोड़कर खेत में गैंती फावड़ा लेकर सुबह से शाम तक गुड़िया तलाशने में ही जुटे रहते हैं। लोग जमीन को खोद कर गुड़िया निकालते हैं और फिर बाहर के व्यापारी गांव में आकर महंगे दामों में उन्हें खरीद कर ले जाते हैं। हालांकि कभी कभी लोगों को ये गुड़िया मिलती है तो कभी नहीं मिलती। इसके बावजूद लोग इसे बड़ी संख्या में तलाशने में जुटे रहते हैं और खेतों में तमाम लोगों की भीड़ लगी रहती है। गांव में लोगों का कहना है कि ये पत्थर अच्छी कीमत के बिकते हैं। कोई इन पत्थरों को 1,000 रुपए में बेचता है तो कोई 20,000 में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं है कि गांव के लोग मिट्टी में बेश कीमती पत्थरों को तलाश रहे हैं और लाखों रुपये में बेच रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।